नगर पंचायत कपकोट में व्यवसाय समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें फल व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि का लाभ दिलाए जाने पर मंथन किया गया। बैठक में मौजूद सभासदों ने फल व्यवसायियों की समस्या उठाते हुए उनके निदान की मांग की। अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि फल व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू की गई है, इसके कई फायदे हैं। उन्होंने बताया कि फल व्यवसाय के लिए स्थान चयन कर अन्य समस्याओं पर भी मंथन किया जा रहा है। नगर पंचायत कपकोट में नगरी फेरी व्यवसाय समिति की हमने पहली बैठक रखी थी और इसमें हमने कई बिंदुओं पर चर्चा करी, आज रखा है। सबसे पहले तो हमने, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो फेरी व्यवसायी हमारे 5 हैं, पहले भी हमने उनके साथ कोशिश करा था कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत हम उनको लाभ दिला पाएँ, लेकिन उन लोगों ने बड़े सख्ती से मना कर दिया था कि हम नहीं लेना चाहते, इसलिए हम उनको नहीं दे पाए थे। अब हम फिर दोबारा आज जो बैठक रखा हमने, तो इन्हीं के इस गवर्नमेंट का जो आदेश है उसका पालन के लिए हमने रखा था और इसमें सभी सदस्य उपस्थित रहे हैं और हमने उनसे चर्चा करी है कि हम दोबारा एक बार सर्वे कराते हैं यहाँ, ताकि अगर और कुछ लोग अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो अपने व्यवसाय के लिए अगर आ गए हैं तो हम उनका रजिस्ट्रेशन भी करें, उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे और उनको जो पीएम स्वनिधि में लाभ लेना चाहते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा लें। इसके अलावा फिर हमने जगह चयनित करने के लिए समिति के सम्मुख रखा कि एक इनका एक स्थल निर्धारित हो जाए कि इसी क्षेत्र में व्यवसाय करेंगे, तो उस पर भी चर्चा करी हमने। कुछ हमने ऐसे स्थान भी चिन्हित करे हैं जहां पर कि अभी से हम सख्ती से मना करेंगे कि जो नो बेंडिंग जोन होगा, जहां की कोई खोखा फड़ ये सब नहीं लगेगा, फिर व्यवसाय नहीं होगा, वो भी हमने निर्धारित करा है। इसके अलावा भी हमने उनके समस्या पर चर्चा करी है कि अगर कोई उनको दिक्कत है या नगर पंचायत से या गवर्नमेंट के जो स्कीम है उनसे क्या लाभ उनको मिल सकता है, उस पर भी हमने चर्चा करी है। तो हमें लगता है कि हम अगली जो बैठक हम करेंगे उसमें अच्छा एक हमारा फीडबैक या निष्कर्ष निकल के आएगा और हम कपकोट के जो नगर फेरी व्यवसायी हैं उनको हम लाभ दे पाएंगे। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।